Hello and welcome to my YouTube channel, and today's video is a review video of the most famous skincare brand Neutrogena's face wash. The name of the face wash is Oil Balancing Face Wash. So Neutrogena एक UK based skincare brand है जो बहुत ही famous है. अपने skincare products को लेकर मैंने भी काफ़ी reviews दिए हुए हैं इनके, काफ़ी face washes और काफ़ी cleansers के बारे में YouTube पे अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर चेक करें उन रिव्यूज़ को. और ये है जी फेस वॉश, ऑयल बैलेंसिंग फेस वॉश. इट इज़ ऑयल फ्री फेस वॉश, सो इसका नेम से ही जाहिर है कि ये एक ऑयली स्किन वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है, और ड्राई स्किन वाले इसको अवॉइड करें अगेन, बिकॉज द नेम सेज़ ऑयल बैलेंसिंग फेस वॉश. सबकी ये स्किन पर जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को मैटिफाई कर देता है. सो दोज़ हु हैव ड्राई स्किन, उनकी स्किन पर ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम होती है, सो उनके लिए ये फेस वॉश एक अच्छा ऑप्शन नहीं होने वाला. सो नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इसके अंदर तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है लाइम, एलोवेरा एंड सैलिसिलिक एसिड. और अगर हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करें, दैट इज़ ऑफ 200 ml पैकेजिंग, और पाकिस्तानी कुछ वेबसाइट्स पर ये 1500 to 1700 के अराउंड ये फेस वॉश आपको मिल जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन सेल, एंड इट इज़ अ प्लास्टिक बॉटल ऑफ 200 ml, एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस पम्प. अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी है जो कि काफ़ी थिक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ. और ये बिल्कुल भी रनी और लिक्विडी नहीं है, तो इसको काफ़ी स्टेबल बनाता है, सो यूज़ करना थोड़ा इजी हो जाता है. काफ़ी थिक है. यूजुअली इसके जो दूसरे फेस वॉशेस हैं, जो स्पेशली हाइड्रो बूस्ट, उसका मैंने रिव्यू दिया है आपको, वो ज़रूर चेक करें. वो एक बहुत ही कमाल का क्लेंजर है, आप ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत ही अच्छा है. अच्छा, उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी लिक्विडी है और ये काफ़ी थिक है. और अगेन वन मोर थिंग, इसके अंदर जो फ्रेगरेंस है वो बहुत तेज़ है, लाइम फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा है, और डिफरेंट केमिकल्स की फ्रेगरेंस बहुत तेज़ है. तो जो जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको पैच टेस्ट कर लें, जो एरिया पर इसको ट्राई कर लें, ताकि वो चेक कर सकें ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है या नहीं. अदरवाइज़ अगेन जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है वो उनके लिए ठीक रहेगा. अलबत्त इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी तेज़ है, सो वो थोड़ी इरिटेट कर सकती है सेंसिटिव स्किन वालों को. अदरवाइज़ इसकी जो लाइक प्लस पॉइंट्स हैं, दैट रिमूव्स डर्ट, इम्प्योरिटीज एंड मेकअप इन परफेक्ट वे, बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है ये डर्ट को और मेकअप को. और इसके अलावा ये इसके अंदर एलोवेरा है विच सूट्स योर स्किन, एंड इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड विच इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन, एंड इट हैज़ लाइम, इट ब्राइटन्स अप योर स्किन एंड मैटिफाइज एंड रिड्यूस ऑयल प्रोडक्शन इन योर स्किन. सो ऑल इन ऑल ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है, बट अगेन ड्राई स्किन वाले इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, बहुत ही ड्राई करता है. इवन इन समर्स, ये समर में ऑयल प्रोडक्शन थोड़ी हो जाती है ज़्यादा, तो उसके लिए ठीक ऑप्शन रहेगा, बट इन विंटर्स इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो ये था आज का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को.